कितना परसेंट है आपका? है ना 40 ही आएगा, मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो गाइस रेडी वेडी सब होकर के बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं परेशान, क्योंकि ये अभी अभी सोकर उठी है हेबा और हुरैन यहाँ पर सो रही है। तो बस पार्क गए हुए थे हम लोग, पार्क से लौट कर आ गए हैं और फिर फटाफट हमने तैयारी करी है। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया तो है ही नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाभी के मायके, जी हाँ, उनकी आज भाई की तीन छुट्टी आ रही है तो इसीलिए जो है हम लोग उधर जा रहे हैं दोनों। मैं थोड़ी ना लाई थी अपना। तो जी हम दोनों बहनें यहाँ पर हो गए हैं रेडी। हमने कहा कि चलो ईद पर तो लवली बाजी आई नहीं तो हम यहाँ से ही मतलब उनके साथ जो है पिक्चर ले लेते हैं एक। तो यहाँ पर हमने पिक्चर ली, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे पूरी ही फैमिली एक साथ गार्डन जाने के लिए, जी हाँ, जहाँ पर भाभी के भाई की पीली चिट्ठी आ रही है और आज ही उनकी सगाई का प्रोग्राम भी है। तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, हम लोग एकदम सही टाइम पर पहुँचे थे। लड़की वाले हम लोगों से भी लेट आए हैं। तो गाइस आ गए हम लोग गार्डन और बस अभी पार्किंग में लगाने के लिए गए हैं पापा गाड़ी, क्योंकि अभी हमें पार्किंग पता नहीं है किधर है। तो जी गाइज़ यहाँ पर देख लीजिए हम लोग पहुँच चुके हैं गार्डन और ये वही गार्डन है जहाँ से भाभी की शादी हुई थी। जी हाँ, ये उनके घर से नज़दीक पड़ता है। और तो ग्वालियर वाले जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि पटेल गार्डन ये कहाँ पर है। और पापा का वेट कर रहे थे, आने को लगा था कि पापा यहीं साइड से आएंगे, लेकिन पापा अंदर से ही पहुँच गए थे गार्डन में। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी। तो चलिए मैन एंट्रेंस यहाँ का ये है, तो बस अभी मैं हॉरन के साथ आ रही हूँ। तो जैसे ही हम लोग गार्डन पहुँचे ना, वैसे ही भाभी सामने ही दिख गई थी और हुरैन को जाते ही जो है यहाँ मतलब ये डीजे फ्लोर पर ही जाना था उसको, मतलब उसने म्यूज़िक जैसे ही सुना ना वैसे कहते ओ सॉन्ग सॉन्ग फिर करके जो है ना यहाँ पर ही आ गई है। तो बस अभी चलते हैं अंदर और मिलते हैं सबसे। ईद सबको ईद मुबारक बोलते हैं जी हाँ, आज ईद का सेकेंड डे है। और गाइस आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी क्योंकि ना मैं अभी अपने नए घर पर आए हुए और यहीं पर बैठ कर ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी गूंज रही होगी मेरी आवाज़, तो मैनेज कर लेना। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए तो सबसे अभी मिलना जुलना चल रहा है। वैसे हमें पानी मिल गया था, बस पानी मुझे तो नहीं पीना था लेकिन हुरैन को ज़रूर पिलाना था क्योंकि इसका सिपर जो है ना मैंने गाड़ी में रख दिया था, तो वो मैं लेकर नहीं आई हूँ। जब इसको ज़रूरत लगेगी तब मैं लेकर आऊँगी। वही ना कि बच्चों के साथ में एक बैग फिर से रेडी करके रखना पड़ता है, उसके साथ में हर एक जगह पर वो बैग लेकर जाना पड़ता है, इसलिए मैं जो है ना गाड़ी में ही रख देती हूँ और जब भी मुझे लगता है ज़रूरत लगती है तो फिर मैं ना ले आती हूँ। चल अरे भैया इतनी डार्क डार्क लिपस्टिक है, इतनी डार्क लिपस्टिक नहीं। तो यहाँ पर ये है भाभी की सिस्टर की बेटी, तो ये भी आई हुई थी। मैं इनसे बोल रही थी कि इतनी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाई है उसने। और बस उसके बाद हमें यहाँ पर मिल गए थे ये भाई जो कि मेरे वीडियो में आना चाह रहे थे। उन्होंने बोला खुद से ही कि मुझे भी अपने वीडियो में ले लो और यहाँ पर हमने जो है उनको भी वीडियो में ले लिया है। यहाँ पे सबकी ईद ईद मिली जा रही है। सॉरी गाइस मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वैसे मैंने रियल वॉइस रखती लेकिन म्यूज़िक इतना ज़्यादा तेज़ आ रहा था ना कि कॉपीराइट आने का डर था, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो भाभी यहाँ पर खड़ी हैं और बता रही हैं कि हाँ लड़की वाले बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो अच्छा हुआ हम लोग टाइम पर ही पहुँच गए थे। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट है लेकिन नहीं, हम टाइम से पहले पहुँच गए थे। और यहाँ पर सभी लोग आना भी शुरू हो गए हैं, लगभग 9:30 का टाइम कुछ हो रहा था या 9 ही बज रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी सब लोग वेट कर रहे हैं लड़की वालों के आने का, उसी के बाद सारी रस्में स्टार्ट होंगी। रस्म क्या होनी है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, सगाई करनी होनी है और साथ ही में जो है पीली चिट्ठी देनी है, तो उसी में डेट पता चल जाएगी शादी की क्या कुछ है, तो वही सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। और बस यहाँ पर सबसे बातें बातें करके मिलजुलने के बाद अभी मैं लेकर जा रही हूँ हुरैन को
उसको कुछ रैपर्स वगैरह दिलाने के लिए, क्योंकि उसको जो है ना भूख लगी है और यहाँ पर है नॉन वेज, तो इसलिए जो है ना मैं उसको रैपर्स वगैरह दिलाने के लिए लेकर गई थी और अभी मैं वापस से आ भी गई हूँ। और बस बच्चों का यही रहता है ना कि जब ये खाना पीना स्टार्ट नहीं कर देते हैं ना, तब तक उनका यही रहता है कि उनको कुछ और खिलाना पड़ता है। और मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ें खा लेगी, फ्रूट्स वगैरह खा लेगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने सिर्फ रैपर्स ही खाए अपने। यहाँ पर हारून उठ गए हैं क्योंकि हारून सो रहे थे अपने नानी के पास उनकी गोद में, तो अभी उठ गया है वो और बस अपने होप्पी के पास आ गया है। तो यहाँ पर लवली भाजी के फ्रेंड्स और वो लोग बैठे हुए हैं। गाइस वेलकम करने के लिए बैठे हैं कि जब लड़की वाले आ जाएंगे तो उनका वेलकम करेंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है तो वेट कर रहे हैं उन लोग के आने का। और यहाँ पर हो रहे थे आराम से, ये देखो हो गई और हारून हमारे उठ गए हैं। क्या जैकेट निकाल दी है, हारून ने जैकेट निकाल दी। अरे प्यास आया वो बेचारा, मच्छर काट रहा है उसको, मच्छर एक मच्छर उड़ रहा है। लो 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 मामा बिल, तो जी यहाँ पर आ चुके हैं सारे लड़की वाले और बस यहाँ पर अभी उनको बैठाया जा रहा है और बस अभी उनको जो है पानी वानी ऑफ़र किया जाएगा। तो भाभी यहाँ पर लगी हुई हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या लोगे करके, तो सारी चीज़ें। और मतलब जब भी मेहमान आते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है ना, फिर उनको अच्छे से बैठा ला, उनसे बातें बातें करी हैं। और फिर उसके बाद जो है खाना पीना हम लोग खाने के लिए चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और 10:30 के करीब हम लोग कुछ टाइम हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही भूख लग गई थी मुझे तो। और मैं तो सुबह घर से खा कर भी नहीं आई थी कुछ भी, मतलब ऐसे ही था मेरा तो, सुबह का नाश्ता किया हुआ था मैंने। और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ चिकन बिरयानी और साथ में वही सारा नॉन वेज ही था, मटन वगैरह चिकन वगैरह यही सारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं, लवली भाजी की सासू माँ भी हैं, लवली भाजी भी हैं और हो रहे हैं थोड़ा सा परेशान कर रही थी यहाँ पर। हारून हारून रो रहा है, हाय हाय, मम्मी कहाँ है, मम्मी काम में लगी है, मम्मी बिजी है। तो खाना खाने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। तो यहाँ पर कैमरामैन भैया घूम रहे थे तो उनसे बोला कि एक फ़ोटो हमारे लिए दो सबके साथ में यहाँ पर, तो हमारी सारी गर्ल्स की गैंग यहाँ पर है और बस अभी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती भी करी है, अच्छी अच्छी रील्स भी बनाई, वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर के फॉलो करें। और यहाँ पर अभी मैं मिलवा रही हूँ आप लोगों को, सर ये है मुस्कान है ना, सना, सिमी और ये तबस्सुम, बिल्लो नाम से ही जानती हूँ मैं, इसलिए नहीं बोल रही थी। लवली बाजी, लवली बाजी की फ्रेंड अस्मा बाजी, और ये कौन है, इनको तो आप जानते हैं, ये जाने वाने इंसान है, ये रोल है, हमें तो लोग जानते ही हैं। हारून हारून का मामा, अब हम निकलने वाले हैं घर के लिए, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तो हुआ नहीं।
हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, प्रोग्राम कब होने अपन। हाँ तो मैं ले लेंगे खा लेंगे ना। हाँ तो मैं तो अभी प्रोग्राम तो हुआ ही नहीं है, हम लोग जाने के सोचने लगे थे प्रोग्राम। अभी ये लोग आ गए हैं सारे, ये हैं सारे गेस्ट। जी हाँ, तो यही करेंगे सारा प्रोग्राम, ठीक है। जो भी रोके ओके का प्रोग्राम है, पहली छुट्टी का है, तो वो सब अभी थोड़ी देर में होने वाला है। तब तक अभी हम लोग खाना पीना खा पी के सब कुछ फ्री हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग भी फ्री हो गए हैं, अब कोई नहीं बचा है खाने के लिए ज़्यादा स्टॉल पे। होरेन को देखो मोबाइल कैसे देख रहे हैं, इस तरह से मोबाइल देख रही है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सारी चीज़ें सारी अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक। और यहाँ पे सारा सामान लग चुका है जो भी लड़की वाले लेकर के आए हैं, ठीक है। और बस अभी वेट कर रहे हैं भाई के आने का। होरेन बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से खेल रही है माशाल्लाह से, उसको खाने पीने का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। और गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में बनाते हैं। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में भाई की सगाई प्लस पीली चिट्टी का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके